अलवर में आज मोती डूंगरी स्थित पुलिस अन्वेषण गार्डन में राजपूत समाज की ओर से अलवर भाजपा लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर से करीब शाम 4 बजे अलवर पहुंची। इस दौरान राजपूत समाज की ओर से लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव, राज्य मंत्री संजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राजपूत समाज को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजपूत समाज का शुरुआत से ही गौरवमय इतिहास रहा है। राजपूत समाज ने देश एवं प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमेशा बलिदान दिया। उन्होंने राजपूत समाज से आगामी 19 तारीख को भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। 2014 में 25 की 25 सीटें आपने भारतीय जनता पार्टी को सौंपी, उसके बाद 2019 में भी यही हुआ और अब तीसरी बार 24 में भी होगा और 24 में 19 से ज्यादा वोटों से जिताओगे। आज सबको संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे भूपेंद्र यादव जी को लोकसभा पहुंचाएंगे और उसके बाद मोदी जी उनकी गारंटी लेते हैं। मोदी जी जब गारंटी लेते हैं ना, तो उसकी गारंटी हम सब जानते हैं क्या मतलब है मोदी जी की गारंटी का। ना केवल भारत, पूरा विश्व मोदी जी की गारंटी को मानता है और वो भूपेंद्र यादव जी की गारंटी लेते हैं। अब हम सब लोगों को 19 तारीख में ज्यादा समय नहीं है, हम सबको भूपेंद्र यादव बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर घर घर जाना है और वोटों को हमको निकालने का काम करना है, प्रचार करना है, प्रसार करना है। मोदी जी के सारे काम, अलवर में भी बहुत सारे काम है कि इस बार तीसरी बार 400 पार करवाना पड़े। करवाओगे आप सब? अलवर की जनता जो मेरा परिवार है, क्योंकि अलवर और जयपुर तो भाई भाई है, हम सब एक ही वंश के हैं, कछावा वंश के हैं, और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। हम सब कहते हैं, मैंने भी कहा है कि मैं राम जी की वंशज हूँ, आप भी राम जी के वंशज हैं, हम सब राम जी के वंशज हैं। और जो राम जी को काल्पनिक बताता है, ऐसी पार्टी जो सनातन का अपमान करती है, ऐसी पार्टी जो शक्ति का अपमान करती है, ऐसी पार्टी का हम कभी साथ नहीं दे सकते। हमारे राष्ट्र को और मजबूत बनाने के लिए, हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत कर, हम सब जानते हैं। हम चाहे हमारी सेना की बात करें, क्योंकि बहुत सारे समाज में हमारी सेना में भर्ती होते हैं, और हमारा भी धर्म है कि हम हमारे राष्ट्र को बचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए हम लोग भी अपनी, हमने प्राणों के हमारे त्याग दिया। ये आदरणीय दिया कुमारी जी, राजपूत समाज वो समाज है, जब भी भारत के ऊपर, हमारी गाय के ऊपर, हमारी गाय माता के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुत्व के ऊपर, या गांव में रहने वाले उस जरूरतमंद परिवार के ऊपर कभी आतंकियों ने हमला किया हो, या पीड़ित किया हो, या परेशान किया हो, ये वो समाज है जो आगे बढ़कर उसकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है, अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपना सर धर से अलग कर दिया, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए यदि किसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो हमारे राजपूत समाज के बंधुओं ने दी है। जो संसदीय क्षेत्र मेरे पास है उसमें एक तरफ भिवाड़ी और नीमराणा जैसा इंडस्ट्रियल एरिया है, दूसरी तरफ सरिस्का जैसा टाइगर रिजर्व है, एक तरफ बाबा भर्तृनाथ से लेकर के अलवर जो है ये बहुत साधु संतों की तपस्थली रही है। इस अलवर में अगर आज सबसे बड़ी चुनौती का हम सामना कर रहे हैं तो वो केवल पानी की चुनौती का सामना करें, चाहे अलवर शहर की पानी की समस्या हो और चाहे अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में हमारे डार्क जोन हो। हमारे समाज के भी कई गांवों में मैं गया हूं, वो डार्क जोन काफ़ी ज़्यादा है। और राजस्थान में जो ERCP माननीय भजन लाल जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ समझौता किया है, और उसके साथ ही जो यमुना का समझौता हुआ है, मैं अलवर के सांसद बनकर मैं केवल एक ही काम को प्रायोरिटी दूंगा कि अलवर के पानी के विषय में आपका सिपाही बनकर के मैं लड़ूं। समर्थन और आपकी ये ताकत मुझे निश्चित रूप से
माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के पदाधिकारियों ने जो जिम्मेदारी सौंपी अलवर के सांसद के रूप में, उसको और मजबूती से काम करने की प्रेरणा देगी। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा और अलवर के सब लोगों को मैं कहता हूँ कि अलवर के सांसद के रूप में मेरे पास एक ही तरीका आपसे मिलने का रहेगा, इतना पता कर लेना कि मैं अपने अलवर के मकान में हूँ या दिल्ली में हूँ, बस सुबह आकर के कह देना कि अलवर से आए हैं। मैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी बिचौलिए के आप सब लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा विषय, और मैं यहाँ समाज के बीच आई हूँ और सभी से, परिवार के बीच और सभी से कहा, भूपेंद्र यादव जी इतने अच्छे, एक उनको सांसद के रूप में एक बहुत अच्छे व्यक्ति मिले हैं। वैसे भी मैंने देखा है आपका काम, कभी भी इनके पास कभी भी जाओ काम आपका होता, खाली हाथ कोई नहीं लौटता, तो ये तो बहुत भाग्यशाली है। मोदी जी का पूरी तरह से, जिस तरह से मोदी जी ने काम किया पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, डेवलप नेशन की ओर हमको ले जा रहे हैं, उसी को देखते हुए सभी लोग, सभी ने आश्वस्त किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। अब इस तरह की बातें फैलने लगी, आप पूरे राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहाँ कई जगहों को पहले लोग कह रहे थे 25 की 25 सीट आएगी, अब लोग कहने लगे हैं कि 10 सीटों पर खड़ा संघर्ष। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बातें हैं, चुनाव में ये सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं मैडम, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैडम आप विपक्ष ने अपने भरतपुर लोकसभा से जो प्रत्याशी है बीजेपी के रामस्वरूप मोदी, उन्होंने आज झोली फैला के लोगों के आगे दंडवत लेट कर, लग रहा है आपको जनता जनार्दन है, जनता जो चाहे वो होता है, और क्यों इसमें क्या गलत है, जनता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर कोई है सबसे ज्यादा जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं वो जनता है, अगर आप जनता के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या, गारंटी में विश्वास नहीं है प्रत्याशी, इसमें क्या गारंटी, अलग चीज है ये, मोदी जी की गारंटी पे तो सबको विश्वास है, मुझे लगता है आपको भी और मुझे भी, सबको हर जनता को, सबको। राजस्थान में वसुंधरा जी के समय खूब काम हुआ था लेकिन अब तो प्रचार में कम नजर आती है पूरे, वो तो देखिए हैं झालावाड़ में प्रचार भी कर रही है वो, ऐसा कुछ नहीं, सब सब नेता प्रचार कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब प्रचार कर रहे हैं।